हेलो व्यूअर्स, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर फोर, व्हाट बुक्स एंड बर्यल्स टेल अस। एक बार एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पहली बार लाइब्रेरी लेकर जाती है। उसमें से एक स्टूडेंट होती है मैरी। तो मैरी देखती है कि जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी है क्लासरूम से, और उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं। तो एक कबर्ड पे उसकी नज़र जाती है, उसमें देखती है कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की बुक रखी है। तो वो अपनी टीचर से पूछती है कि मैम ये कौन सी बुक्स है। तो मैम बोलती है बेटा ये वेदास है। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती है मैम वेदास, वेदास क्या होता है। तो आज इस चैप्टर में हम इस वेदास के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर फोर, व्हाट बुक्स एंड बर्यल्स टेल अस। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस टाइप की बुक्स हुआ करती थी पुराने टाइम में। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। आपने वेदास का नाम तो सुना होगा। अब जो वेदास है ना, वो फोर टाइप के हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्वेदा। और इसमें से जो सबसे ओल्डेस्ट वेदा माना जाता है वो है हमारा ऋग्वेदा, जो कि कितना पुराना है, 3500 ईयर पुराना। और इस ऋग्वेदा में थाउजेंड्स ऑफ हिम्न है, यानी कि मंत्र होते हैं, उन्हें बोलते हैं हिम्न, ठीक है, जिनको बोला जाता है सूक्ता। इसमें जो गॉड की बहुत ज़्यादा प्रशंसा दिखाई गई है कि भगवान ऐसे होते थे, भगवान वैसे होते थे, मतलब उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताया गया है। और थ्री गॉड्स है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है, वो है अग्नि, इंद्र और सोमा। अग्नि होते हैं जो गॉड ऑफ फायर होते हैं, यानी कि अग्नि देवता। और इंद्र जो है वो वॉरियर गॉड है, यानी कि कोई भी वॉर करता था ना उसके भगवान माने जाते थे इंद्र। और सोमा एक प्लांट का नाम है जो कि एक ड्रिंक के लिए स्पेशली यूज होता है। अब ये जो मंत्र होते थे ना, इनको प्रिस्ट यानी कि पंडित और ऋषि वगैरह अपने स्टूडेंट को बताया करते थे। और जितने भी लोग होते थे ना, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो पंडित हो, वो मोस्टली मैन थे, वीमेन नहीं थी। ऋग्वेदा को ओल्ड और वैदिक संस्कृत माना जाता है, लेकिन ये वो वाला संस्कृत नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं बुक्स में, ये बहुत डिफरेंट है जो नॉर्मल संस्कृत हम पढ़ते हैं उससे। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब जो संस्कृत था ना, वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक पार्ट था। देखा जाए तो जो यूरोपियन में लैंग्वेजेस बोली जाती है और जो इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें काफ़ी वर्ड्स होते हैं सिमिलर होते हैं। जैसे कि इंडियन लैंग्वेज में असामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सारी बोली जाती हैं। और जो यूरोपियन में है वो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी बोली जाती है। अब इनके जो कॉमन वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मात्र लिखा है, मात्र जो है संस्कृत वर्ड है, और माँ जो है हिंदी वर्ड है, और मदर जो है वो इंग्लिश वर्ड है। तीनों एम से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे काफी वर्ड्स मिलते जुलते थे। और आपने कुछ और लैंग्वेजेस में भी सिमिलैरिटीज देखी हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है तबितो बुरिमन फैमिली की जो लैंग्वेज है, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इसको द्रविड़ियन फैमिली का बोला जाता है। और जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उसे बोला जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से, कि ये इस फैमिली से बिलोंग करती है ये लैंग्वेजेस। अब आपने ऋग्वेद के बारे में तो सुन लिया कि अच्छा ऐसे होते हैं, लेकिन ये प्रिंट कब हुई? ये सिर्फ 200 साल पहले ही प्रिंट हुआ है। उससे पहले सिर्फ बताया जाता था ऐसे ही, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं था, कोई प्रिंटेड नोट्स नहीं थे इसके। तो हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा को कैसे हिस्टोरियन ने रीड किया है वो देखते हैं। अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ऋग्वेदा है उसमें विश्वामित्र और टू रिवर्स, ब्यास और सतलुज के बारे में बताया है, कि जो विश्वामित्र है और जो टू रिवर्स है वो आपस में बात कर रही हैं, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये विश्वामित्र एंड द रिवर्स, यानी कि इन दोनों में बात हो रही है। अब विश्वामित्र जी हैं वो कह रहे हैं कि ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से आप जल्दी से आ जाओ, जैसे कि शाइनिंग काउ होती है उसकी तरह चमकते हुए। अब यहाँ पर है कुछ पेजे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है ऋग्वेदा का, जो कि पुणे महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में देखा गया है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। ऐसा देखा गया है कि ऋग्वेदा में कैटल के बारे में लिखा गया है, कि
की जो भी पूजा होती थी, प्रेयर होती थी, वो कैटल के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए, और चिल्ड्रन में भी जो सन होते थे, डॉटर के लिए नहीं, सिर्फ सन के लिए प्रेयर की जाती थी, और हॉर्सेस के लिए। अब इन सब के लिए प्रेयर क्यों की जाती थी वो देखते हैं हम। पहले क्या होता था कि कैटल को एक तरीके से पशुधन माना जाता था, कि कैटल है जिसके पास वो बहुत रिच पीपल है, तो कैटल के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी। और जो बेटा का, तो अभी भी देखते हैं कि जो बेटे होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर देन बेटियों के। तो ये पहले से चलता हुआ आ रहा है रीति रिवाज। और लैंड के लिए लड़ाई हुआ करती थी, और कुछ क्रॉप्स के लिए भी लड़ाई हुआ करती थी, और जैसे वाटर है, पानी के लिए भी लड़ाई हुआ करती थी। अब जो वॉर में वेल्थ जीतते थे, धन को जीतते थे जब वॉर में, तो वो किस किस में बांटी जाती थी। तो लीडर जो था ना, वो कुछ अपने पास रखता था, कुछ जो है वो प्रिस्ट को देता था, और कुछ वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, और कुछ जो है भगवान को भी ऑफर किया जाता था, घी, ग्रेन, या फिर एनिमल की फॉर्म में, यानी कि बलि भी दी जाती थी। अब जो उस टाइम आर्मी हुआ करती थी ना, वो कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, यानी कि जब भी वॉर हुआ करता था उससे पहले एक असेंबली बिठाई जाती थी, और शांति कैसे लाई जाए वॉर में उसके बारे में डिस्कस किया जाता था। और जो लीडर होता था ना, वो बहुत ब्रेव हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। जिसको देखते थे कि हाँ भैया ये बहुत ब्रेव है, ये लड़ने लायक है, ये राजा बनने लायक है, उसको ही राजा बनाया जाता था। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब इस ऋग्वेदा में जो बताया गया है कि जो लोग थे उनकी डिफरेंट लैंग्वेज थी, और वो डिफरेंट प्लेस से बिलोंग करते थे, डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, कम्युनिटी उनकी डिफरेंट थी, कल्चर उनका डिफरेंट था, और ये टू ग्रुप में डिवाइड थे, प्रिस्ट जिनको बोला जाता था ब्राह्मण, और जो रिचुअल यानी कि जो पूजा पाठ किया करते थे उन्हें बोला जाता था राजास। तो राजा आज के टाइम के जैसे राजा नहीं कि हाँ भैया जिसके पास पावर है वो राजा। यहाँ पर राजा के पास कोई कैपिटल इतना नहीं हुआ करता था, कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी, और वो कोई टैक्स को कलेक्ट नहीं करते थे। और ऐसा भी नहीं था कि राजा का बेटा राजा होगा, वो सिस्टम भी यहाँ पर नहीं था। अब टू वर्ड्स है जो पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता है, एक है जना यानी कि जन पीपल्स जिसको बोला जाता है, और एक है विश, इसको बोला जाता है ट्रेडर्स, वैश्य। तो इसमें अब ये बताया गया है कि किस किस टाइप के विश और जना हुआ करते थे, जैसे पुरु जना और विश, भारता जना और विश, यदु जना। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर। अब क्या होता था, जो इस मंत्र वगैरह को डिस्क्राइब करते थे ऋग्वेदा में, उसे बोला जाता था आर्यास, यानी कि आर्यास होते थे, और जो उसके ऑपोजिट वाले पीपल होते थे उनको बोला जाता था दासास। अब जो दासास होते थे ना, वो सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, और उनकी थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज हुआ करती थी, और अगर फीमेल्स होती थी तो उन्हें बोलते थे दासी, लेकिन आज के टाइम पे दास और दासी को स्लेव बोला जाता है। ऋग्वेदा नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में कंपोज की गई है। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। अब मेगालिथ बोलते हैं जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं, बिग बिग स्टोन होते हैं। अब क्यों यूज करे जाते थे, बरियल्स के लिए, यानी कि जब कोई मरता था ना तो उसके आसपास ऐसे स्टोन लगाए दिए जाते थे। ये देखो, यहाँ पर जो पर्सन मरेगा वो बीच में जो आपको रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रहा है, वहां पर उसको रखा जाता था पर्सन को, और इसके आसपास ऐसे स्टोन्स रखे जाते थे। तो ये 3000 ईयर्स पहले हुआ करता था ऐसा, डेक्कन और साउथ इंडियन वाले पार्ट में, और कुछ नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हुआ करता था, और कश्मीर वाला भी। अब कुछ पीपल्स को तो सरफेस पे ही दफना दिया जाता था, और कुछ को अंडरग्राउंड दफनाते थे, और बहुत सारे उसके आसपास पत्थर रख दिए जाते थे बड़े बड़े। अब जिन लोगों को दफनाया जाता था ना, उनके साथ कुछ पॉट भी दफनाए जाते थे, ब्लैक और रेड कलर के, और कुछ टूल्स भी हुआ करते थे, वेपन्स ऑफ आयरन, और कुछ स्केलेटन्स भी होते थे हॉर्सेस के, और कुछ इक्विपमेंट्स भी हुआ करते थे हॉर्सेस के, और कुछ ऑर्नामेंट्स भी थे जैसे कि गोल्ड वगैरह, और स्टोन के भी कुछ ऑर्नामेंट्स थे। तो इन सब चीज़ों को दफनाया जाता था उन लोगों के साथ में। अब आप ये देख सकते हैं फिगर में, ये सारी चीज़ें उनके साथ में मिली है, यानी कि जब दफनाते थे तो ये सारी चीज़ें भी उनके साथ दफनाई जाती थी। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के साथ ये सारी चीज़ें दफनाई जाती थी, जो रिच पीपल होते थे ना उनके साथ ज़्यादा चीज़ें दफनाई जाती थी, और जो बेचारे नॉर्मल होते थे उनके साथ कुछ दफना दिया तो दफना दिया, नहीं तो
ऐसे ही छोड़ देते थे। जैसे कि ब्रह्मगिरी एक जगह है, वहां पे एक स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स पाई गई है और 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर बैंगल्स और कॉन्च शेल। लेकिन वहीं पर एक और स्केलेटन देखा तो वहां पर सिर्फ मुश्किल से थोड़े बहुत पॉट्स वगैरह दिखे। यानी कि उस टाइम भी सोशल डिफरेंस रहता था, लोगों के बीच का डिफरेंस दिखाई देता था। जो स्टेटस जिसका अच्छा होता था उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें दफनाई जाती थी, और जो बेचारा गरीब होता था उसके साथ ऐसे ही कुछ भी दफना देते थे। वर सम बरियल्स स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब ऐसा हुआ करता था कहीं कहीं पर जो स्केलेटन्स मिली है वो ग्रुप में मिली है, यानी कि एक ही फैमिली के लोगों को एक ही जगह पे दफनाया जाता था। और ऐसा नहीं कि सेम टाइम पे दफनाते थे, हो सकता है कि जो भी मरता हो उसको उसी जगह पर ही दफना देते थे। और जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा पत्थर लगा देते थे उधर, जिससे कि वो पत्थर देखकर हम देख सके कि हाँ हमारा जो पर्सन है वो यहीं पर ही दफनाया गया था, तो दूसरे वाले को भी वहीं पर ही दफनाना है। तो एक साइन लगा देते थे उस स्टोन को रख के, अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। अब इनाम गांव में कैसे हुआ करता था वो देखते हैं। ये रिवर गॉड और ट्रिब्यूटरी भीमा के पास है ये जगह, और ये जो टाइम पीरियड था इसका 3600 से लेकर 2700 ईयर एगो के बीच का टाइम था। अब इसमें जो एडल्ट होते थे ना उनको ग्राउंड में दफनाया जाता था, और जो उनका हेड होता था ना वो नॉर्थ की साइड में रखते थे, और जो लेग्स होते थे उनके वो साउथ की साइड में होते थे। अब इसमें बताया गया है कि कभी कभी जो डेड बॉडीज होती थी उनको घर में ही दफना दिया जाता था किसी वैसल के साथ, और उस वैसल में फूड और वाटर को रख दिया जाता था। एक पर्सन ऐसा मिला जिसको आंगन में दफनाया गया था, उसके आसपास 5 रूम्स थे और बहुत बड़ा घर था, और वहां पे ग्रेनरी स्टोर भी था, यानी कि बहुत सारा ग्रेन भी रखा जाता था, यानी कि बहुत बड़ा घर था वो। और जो उस पर्सन के लेग्स थे ना वो क्रॉस लेग्ड फॉर्म में थे, यानी कि आलती पालती मार के वो लेटा हुआ था। What skeletal studies tell us? अब जो children है ना उसका तो skeleton पता चल जाएगा, जो छोटा skeleton होगा वो children का है, लेकिन man और women का कैसे देखेंगे? तो इसमें बताया गया है कि जो women होती है ना उनका जो hip वाला area होता है वो थोड़ा large होता है, क्योंकि उनको बच्चे को जन्म देना होता है। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि किसका skeleton है, man का है या women का है। अब इसमें एक famous physician के बारे में बताया गया है, चराखा संहिता। उन्होंने बताया है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं, लेकिन जो आज के मॉडर्न एनाटमी है उसमें 200 बोन्स बताई हुई हैं। तो जो चराखा थे ना उन्होंने टिथ जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी काउंट कर लिया था, इस वजह से 360 बोन्स थे उनके अकॉर्डिंग। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। अब क्या क्या ऑक्यूपेशन था इनाम गांव में वो देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि यहाँ पर वीट की सीड मिली है, बार्ले की सीड मिली है, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस और सीसम, यानी कि ये सारे क्रॉप हुआ करते थे उस टाइम पे। और कुछ एनिमल्स की बोन भी मिली है, जो कि एनिमल्स हैं कैटल, बफेलो, गॉट, शिप, डॉग, हॉर्स, एस, पिक, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, ये सारे एनिमल्स हुआ करते थे उस टाइम पर। और कुछ फ्रूट्स भी बताए गए हैं, बेर, आंवला, जामुन और ऐसे काफी सारे और फ्रूट्स एल्सवेयर। अब फटाफट जाओ और देखो अपने एटलस में कि चाइना कहाँ पर है। 3500 ईयर पहले क्या होता था कि अगर जो किंग था ना उसे कुछ भी लिखवाना होता था तो वो एनिमल्स की बोन पे लिखते थे, जैसे कि उसने कितनी बैटल्स जीती हैं, उसके कितने सन हैं और कैसी कैसी एग्रीकल्चर हो रहा है, क्या हार्वेस्ट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब किंग जो थे वो सिटीज में रहा करते थे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था और उनके पास काफी सुंदर सुंदर वेसल हुआ करते थे, ब्रॉन्ज के डेकोरेटेड। तो देखा जाए तो चाइना में डिफरेंट है थोड़ा इंडिया से। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।